हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ खान है और मैं आपके सामने अंग्रेज़ी लैंग्वेज को, इंग्लिश भाषा को बहुत ही आसान, बहुत ही इफ़ेक्टिव वे में प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। ये बहुत ही आसान है, बहुत कम टाइम कंज्यूमिंग है और मैं आपको श्योर करता हूँ कि इवन आफ्टर दिस क्लास, इस क्लास के बाद आप लोग थोड़ा बहुत अंग्रेज़ी में बोलना शुरू कर देंगे और आई मीन इट। लोग सोचते हैं कि इसके लिए 3 महीने की ज़रूरत है, इसके लिए 2 साल की ज़रूरत है। ऑफकोर्स ज़रूरत है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है अगर आपको फ्लुएंसी चाहिए, लेकिन मैं एक अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूँ और इस अंडरस्टैंडिंग को आप बहुत जल्दी ही सीख पाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर की इतनी ज़रूरत नहीं होती है, वो तो लिखने के लिए होती है। वो बात कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन कोई भी लैंग्वेज को बोलने के लिए हमें उसकी ग्रामर का आना बहुत ही ज़रूरी है, अगर हम उसको शुद्धता के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं, या मैं बोलूँ कि क्लियरिटी के साथ दिमाग में आ गई है। तो हम इस ग्रामर के पार्ट को भी बहुत ही इफेक्टिव वे में समझेंगे, बहुत ही ईजी वे में। आई विल नॉट मेक इट वेरी मच एक्सटेंसिव विच विल बी वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड। मैं उसको बहुत ही आसान तरीके में आपके सामने प्रेजेंट करूँगा, जिससे कि आप आज, मैं अगेन बोल रहा हूँ, पहले दिन से अंग्रेजी को बोलना शुरू करते हैं। ओके, तो हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। हर एक लैंग्वेज में ग्रामर होती है, जैसे आपको मालूम है, और अगर हम बेस लाइन बोलें तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन्हीं पे ही ग्रामर सराउंड करती है। ओके, सो टेंसेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी लैंग्वेज, व्याकरण। टेंसेज में हमें पता चलता है कि हमें सेंटेंसेज को कैसे बोलना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अंग्रेजी में सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम किया जाता है। ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, स्पेशली हमारे हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ, उनको कभी इस तरह से बताया नहीं जाता है। सडनली एक लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की जाती है 5th क्लास में, कभी कभी 8th क्लास में, और उसके बाद वो उसका कॉन्सेप्ट नहीं अंडरस्टैंड कर पाते। ओके, जैसे कि हम हिंदी में बात करते हैं, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, आप हिंदी में बात करते हैं, आपने इसको बचपन से सीखा है, तो आपको इसके लिए कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जब तक कि हम बात नहीं करें बहुत ही एक्सटेंसिव ग्रामर की, जो हमारी हिंदी ग्रामर होती है, बात करने के तरीके की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें अगर हम हिंदी में कोई सेंटेंस बोलते हैं तो उस सेंटेंस को ना हमारे दिमाग को ज़रूरत होती है बनाने की, हम सडनली बोल देते हैं। ओके, किसी भी एक वाक्य की, एक सेंटेंसेस के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं हर लैंग्वेज में, जैसे कि सबसे पहला होता है सब्जेक्ट को हम बोलते हैं हिंदी में कर्ता, बड़े मुश्किल सा वर्ड है। कर्ता मीन्स जो व्यक्ति काम कर रहा है, हर किसी लैंग्वेज में एक व्यक्ति होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, तो वो हो गया सब्जेक्ट, वो सेंटेंस का कर्ता। उसके बाद अगर मैं हिंदी लैंग्वेज की बात करूं, हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिसपे कर्ता काम कर रहा है, कर्म बोलते हैं आई बिलीव हिंदी में। एंड फिर होती है वर्ब, मतलब क्रिया। तो हिंदी के सेंटेंसेस जो होते हैं वो इस तरह से बनते हैं, अगर मैं हिंदी की बात करूं। देखिए, पहली क्लास है मेरी, मैं समझ सकता हूं कि थोड़ी सी मैं इसको और आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप इसको समझिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलूं कि मोहन स्कूल जाता है। ओके, मोहन स्कूल जाता है, अगर मैं हिंदी में बोल रहा हूं तो मोहन, यहां पे हमने लिखा मोहन, स्कूल, देखिए स्कूल हो गया ऑब्जेक्ट, सॉरी स्कूल जाता है, ये एक हिंदी का सेंटेंस है जो मैंने आपको बोला, आपको भी आसानी से समझ में आ गया। ठीक है, इस सेंटेंस में क्या होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, हिंदी भाषा की बात करो, सडनली उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं एंड देन आफ्टर वर्ब लिखते हैं, तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बनता है। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं होता, इंग्लिश में ऐसा नहीं होता, सॉरी इंग्लिश में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, क्योंकि हम इंग्लिश लैंग्वेज ही पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, तो इंग्लिश में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट ना लिख के वर्ब लिखते हैं, और लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। तो अगर इसी सेंटेंस को हम हिंदी में, इंग्लिश में लिखें, तो मोहन क्योंकि सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब, ये मतलब जाता है, गोज, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, टू स्कूल।
सबसे पहले हुआ सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और सारी इंग्लिश इस ही मॉडल पे आधारित है। अगर आपको कुछ बोलना है, मैंने बोला था कि इस क्लास के बाद मैं आपको बोलना सिखाऊंगा, आई मीन इट, और आप देखेंगे। तो ये तो बात हुई कि इंग्लिश का बेस क्या है, किस तरह से ये बोली जाती है। अब आपको मालूम है कि इंग्लिश भाषा को बोलने में हमें जरूरत होती है टेंसेस की, कोर्स इसी बेस पे हम उसको बांटते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैं अभी अब दोबारा से आपको बोल रहा हूँ कि मैं इस प्रेजेंट इंडेफिनिट को इतनी ईजी तरीके से आपको बताऊंगा कि आप कभी इसको बोल नहीं पाएंगे। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट इट। देखिए, हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस स्पेशली, सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट टेंस को हम बांट सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब मैं उस लेंथ में नहीं जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक चीज को एक बार में समझने की। तो उसके लिए हम सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, देखिए यहां पे लिखा हुआ है इनडेफिनिट। जब कभी भी हम किसी को अपनी आदतें बताते हैं, जब हम कोई काम अभी कर नहीं रहे लेकिन हम उसके बारे में दूसरे को जानकारी देते हैं, जैसे कि मैं आपको बोलूं कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, ये मेरी आदत है या मुझे ये क्वालिटी है, या मैं आपको बोलूं कि राम गाना गाता है। अब राम अभी गाना गा नहीं रहा है, हम ये बता रहे हैं कि वो गाना गाता है, ठीक है। तो जहां पर एक्चुअल एक्शन वर्ब नहीं परफॉर्म की गई हो, वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। स्पेशली जब आप अपने बारे में कोई भी जानकारी देते हैं, वो हर जगह हर सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, और ये बहुत ही वाइडली यूज होता है, और बहुत ज्यादा इसमें मिस्टेक्स करते हैं लोग, जबकि ये बहुत ज्यादा आसान है। कैसे हम समझेंगे, देखिए, अक्सर हम हिंदी में जब पढ़ते हैं बुक्स में लिखा हुआ है कि लास्ट में अगर ता है, ती है, ते है आए, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में उसका ट्रांसलेशन कर दें। हम यहाँ ट्रांसलेशन नहीं कर रहे हैं, हम अंग्रेजी समझ रहे हैं। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम एक बात के बारे में किसी को बताते हैं और वो बात प्रेजेंट ही हो, तब वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैं खाना खाता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, ये एक जनरल बात है कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 2 बजे खाना खाता हूँ, बच्चे स्कूल 9 बजे जाते हैं, पिताजी दफ्तर से 4 बजे घर आते हैं, तो ये बात जानकारियां हैं, तो ये सब कुछ इंडेफिनिट में आएगा। सेंटेंस बनाने का तरीका क्या होता है, देखिए इंग्लिश में सेंटेंसेस को, ग्रामर को यूज़ करने का बहुत ही सिंपल तरीका जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत बार हम उसको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के हिसाब से समझते हैं, वो थोड़ी डिफिकल्ट अंडरस्टैंडिंग है, मैं आपको ईजी बताना चाहूँगा। फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या होता है वैसे, बाय द वे, जैसे मैं आपको बताऊँ, ग्रामर जो बनाई जाती है वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। के हिसाब से बनाई जाती है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब ये क्या होता है, ये भी सेंटेंस के ही भाग है। जैसे मैंने आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट बताया था, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, जैसे फर्स्ट पर्सन में हमेशा होता है आई और वी, ये होते हैं फर्स्ट पर्सन, मतलब मैं, जब मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन में हमेशा होता है यू, और थर्ड पर्सन में होता है ही, शी, इट, दे, कोई भी प्लूरल वर्ड एटसेट्रा, ये थर्ड पर्सन होता है। तो एक तरह से हम इसको ऐसे समझें, जैसे कि मैं आपको समझाना चाहता हूं कि किसी भी सेंटेंस में अगर आई है तो ये फर्स्ट पर्सन है, वी है तो फर्स्ट पर्सन है, सेंटेंस अगर यू, तुम, आपकी बात कर रहे हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो आप सेकंड पर्सन है, और थर्ड पर्सन अगर मैं, हम दोनों किसी तीसरे की बात कर रहे हैं, जैसे जिसमें कि ही लड़का, शी वो लड़की हो, कोई भी कोई चीज हो, तो वो थर्ड पर्सन होता है। तो सेंटेंसेस इन्हीं के आधार पर बनते हैं,
ग्रामर के रूल इन्हीं के आधार पे ही लाइक किए जाते हैं, ये चीज बतानी जरूरी थी और हम इसको थोड़ा आसानी से समझेंगे कैसे। देखिए अब इसको समझने के लिए मैं इसको रब कर देता हूं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जहां पे आपको आते बताते हैं, हैबिट्स की बात कर रहे हैं हम, और जब कोई जानकारी देते हैं जहां पे एक्चुअल एक्शन नहीं हो रहा है कैसे। देखिए अगर सब्जेक्ट में रूल नंबर वन बोलूंगा, अगर सब्जेक्ट में आई वी यू दे एक सेकेंड इसको डिस्कार्ड करेंगे आप, रूल नंबर वन में अगर कोई सेंटेंस कोई वाक्य स्टार्ट हो स्पेशली थर्ड पर्सन से, जैसे कि ही शी इट सिंगुलर नंबर का मतलब होता है एक वचन, है ना, तो हम उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस लगा दें और सेंटेंस बनाते हैं। जैसे फॉर सिंपल सा सेंटेंस है, जैसे मैं बोलूं कि वह स्कूल जाता है, देखिए वह एक लड़का है जाता है बोला है, अगर जाती होता तो किसी पे शी लगाते, वह की इंग्लिश होती है ही। अब उसके बाद हम जैसे मैंने आपको बताया था उसको बाद डायरेक्टली हम जब सेंटेंसेस को पढ़ते हैं तो इंग्लिश में एक ध्यान रखें कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इसी में ही सेंटेंसेस बनेंगे, यही एक एक्चुअल फ्रेम है। तो उसके बाद से हम लिखेंगे वर्ब, वह जाता है मतलब गो। अब मैंने बोला है इसमें कि इसमें एस या ई एस लगेगा, कुछ सेंटेंसेस में वर्ब मतलब क्रिया में ई एस लगता है, बहुत से सेंटेंसेस में एस लगता है, इसको हम सेपरेट क्लास में लेंगे क्योंकि इसमें कुछ ही सेंटेंसेस कुछ ही ऐसे वर्ड है जिसमें ऐसा होता है। तो गो अगर वर्ड है क्रिया है तो इसमें ई एस लगेगा, गोज टू स्कूल, स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है तो लास्ट में आया, टू हमारा प्रीपोजिशन है जो हमें डायरेक्शन बताता है कि वो कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है। प्रीपोजिशन की हम एक सेपरेट क्लास लेंगे क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है, फिलहाल अभी हम टेंसेस को देख रहे हैं, टेंसेस तामिल कर रहे हैं। तो वह जाता है स्कूल, ऑलराइट। और भी कोई सेंटेंसेस जैसे कि मैं बोलूँ सीता गाना गाती है, तो सीता गाना, तो यहाँ गाना हो गया मीन्स सिंग, क्योंकि एस लगाना है हमें, एस और ये, सो सिंग्स अ सॉन्ग, ओके, बहुत सिंपल। इसको हम जितना सिंपल बनाना चाहें करना चाहें उतना ही सिंपल करेंगे। अब आप अपने आप ही सेंटेंसेस बना सकते हैं और मैं इसको बनाने का अभी आपको एक एक्सरसाइज भी दूंगा जिससे कि हम उसको बहुत आसानी से समझ सकें। देखिए कैसे, तो यहाँ तो हो गया पहला रूल, अब ये हमारे पास आ गया रूल नंबर टू में जब सेंटेंसेस स्टार्ट हों आई वी यू दे और प्लूरल नंबर का मतलब होता है बहुवचन, तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, कोई एस या ईएस नहीं लगता है और सेंटेंस बन जाता है सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर जैसे अगर इस सेंटेंस में वह की जगह होता है मैं स्कूल जाता हूं, तो मैं सब्जेक्ट सबसे पहले आई, जो काम करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है, उसके बाद जाता हूं वर्ब गो टू स्कूल, वेरी सिंपल, कोई इसमें एस और एस नहीं लगाना, ऐसे ही सेंटेंस बन जाएगा कि मैं स्कूल जाता हूं। अब ऐसे होता है जैसे कि सीता गाना गाती है, हमने ये सेंटेंस बनाया था, अगर मैं बोलूं कि
वे गाना गाते हैं, वे गाना गाते हैं, वे का मतलब हुआ दे, दे जो कि सब्जेक्ट है, गाना गाते हैं मतलब सिंग, आ सॉन्ग। तो इसमें हमें एस और एस लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल रूल है। देखिए एक रूल ये है और एक रूल ये है, सिंपल सा रूल है। मैंने अब यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट को कि पॉजिटिव फॉर्म को खत्म कर दिया है। अब हम इसको और अच्छी तरह से समझेंगे। यहां तो तक मैंने सिर्फ ग्रामर की बात की, मैंने बोला है कि मैं आपको इसको बहुत ही आसान तरीके में प्रेजेंट कराऊंगा, जिससे कि आपको ये लगेगा ही नहीं कि आप ग्रामर सीख रहे हैं, आप इसको एंजॉय करेंगे। और आज ही से ही हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात करना शुरू करेंगे। कैसे? लेट मी रब इट। ये दो रूल हमने यूज करेंगे बस। अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस में थोड़ी चैंटिंग भी होती है। देखिए इसके लिए मैं एक डायग्राम बनाऊंगा और उसमें हम सेंटेंसेस को बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले हमने रूल नंबर वन में जो भी सब्जेक्ट के एक एक, एक, एक वाक्य में जब हमारे पास सब्जेक्ट ही शी इट और सिंगुलर नंबर हो, सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन, इसको हमने एक गोले में बंद कर दिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, देखिए इससे आपको काफी अंडरस्टैंडिंग होगी। दूसरी लेयर में हमने डाला आई वी यू दे और कोई भी प्लूरल नंबर, ठीक है। अब इसको भी हमने एक गोले में डाल दिया। अब इस इन दो गोलों में हमारे पास जो सब्जेक्ट है हमने वो लिखे हैं, रूल नंबर वन और रूल नंबर टू के। ये रूल नंबर वन, ये रूल नंबर वन है, ये रूल नंबर टू जो मैंने आपको बताया था। अब हम इसके चारों तरफ कुछ ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट्स क्या? जिन पे हमें काम करना है। जैसे कि बहुत सिंपल सा, बचपन में मुझे भी बताया जाता था बहुत से सेंटेंसेस स्कूल से, तो हमने पहले सबसे पहले स्कूल लिख दिया, फिर हमने मार्केट लिख दिया, मार्केट मतलब बाजार, ठीक है। हमने यहाँ पे रिवर लिख दिया, रिवर मतलब नदी। यहाँ हमने टॉयज लिख दिया, टॉयज मतलब खिलौने, ठीक है। हम और भी कुछ चीजें लिख सकते हैं, जैसे कि किस सब्जेक्ट में ऑफिस लिख दिया, किचन लिख दिया। ये सारे हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट्स है, ये वर्ब नहीं है। देखिए इसमें कहीं भी वर्ब की डेफिनेशन होती है कि वर्ब उन शब्दों को कहते हैं जहां पे कि किसी एक्शन का होना या करना पाया जाए, काम का होना है करना पाया जाए, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं। ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूंगा कि हमें सेंटेंसेस बनाने हैं कैसे। अगर मैं यू से लेकर के और स्कूल में एक लाइन खींचूं और मैं आपसे बोलूं कि सेंटेंस बनाना है यू और स्कूल, इसमें आपको वर्ब लगाना है। अब देखिए ये सेकंड रूल है जिसमें कि आपको वर्ब में एस और एस नहीं लगाना। तो आप स्कूल, क्या करेंगे आप? जाते हैं। तो पहला सेंटेंस बन गया यू गो टू स्कूल, टू डायरेक्शन है, एक सेंटेंस बन गया, ठीक है। अब मैं स्कूल में पढ़ाता हूं, ठीक है। सो आई, क्या बोलेंगे? आई टीच इन द स्कूल, आई टीच इन द स्कूल। तो देखिए आई के साथ मैंने टीच लगा दिया, टीच वर्ब है पढ़ाने के लिए, हमने वर्ब और उसमें एस और एस नहीं लगाया है, ठीक है। अगर हम बोले प्लूरल नंबर में, जैसे कि बोले बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, ठीक है, तो ये बच्चे का मतलब हो गया चिल्ड्रन, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखिए चिल्ड्रन लिख दिया, ये प्लूरल नंबर है, चिल्ड्रन खिलौने से खेलते हैं, खेलने इसमें होगा खेलना, प्ले विद टॉयज, ठीक है। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे कि मैं बोलूं कि वह गाना गाती है, सॉरी शी और ऑफिस, ठीक है। तो शी और ऑफिस,
वो ऑफिस क्या करेगी, ऑफिस में काम कर सकती है, देखिए इसमें हम वर्ब झाटेंगे, ऑफिस में काम कर सकती है, ऑफिस जा सकती है, चलो ऑफिस जाने की बात कर रहे हैं, तो शी जाने के लिए बोलते हैं, शी सब्जेक्ट हो गया, वर्ब में होगा गो, लेकिन हम इसमें एस और एस लगाएंगे क्योंकि ये पहला रूल है, तो शी गोज टू द ऑफिस। ऑलराइट, देखिए मेरे साथ एक बच्चा है यहाँ पर, मैं चाहूंगा कि आप, मैं बोलूंगा वो सेंटेंस बनाए जिससे कि आपको भी प्रैक्टिस होगी। अच्छा आप बताइए कि अगर ये हमारा पहला रूल है, ठीक है, वर्ब में एस और एस लगेगा, ही और अगर मैं बोलूं आपसे मार्केट, अब मार्केट में वो कुछ खरीद सकता है, खरीदने के लिए हम परचेज लगाएंगे या बाय लगाएंगे, वो मार्केट जा भी सकता है, अब आप ही और मार्केट को मिला के एक सेंटेंस बनाइए। ही गोज टू मार्केट, वेरी गुड, अगर हम गोज के अलावा दूसरी एक और वर्ब लगाइए, जैसे कि हम बाय को बोले तो ही बायस इन द मार्केट, मार्केट में वो खरीदता है, अभी देखिए इसमें क्या चीज खरीदता है वो नहीं डाली क्योंकि हम आसान सेंटेंसेस बना रहे, ठीक है। अब हम जैसे ये वाले रूल में अगर वी से करें, वी और किचन में, अब हम किचन में क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, उसके लिए क्या होता है कुक, वी कुक इन किचन, आसान, बहुत आसान, अब हमें और कुछ नहीं बनाना, वी कुक इन द किचन, वी कुक इन द किचन, देखिए कितना आसान हो गया, बहुत आसान सेंटेंसेस बनेंगे यहाँ पे। जैसे मैं आपको यू से बोलूं कि आप, अब आप मुझे बोले कि आप पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ाते हैं, आई एम सॉरी, रहे तो दूसरा सेंटेंस हो जाएगा, तो यू टीच, आप पढ़ाते हैं, अगर मैं इन्हीं के सेंटेंस में देखूँ, जैसे यहाँ रिवर है और यहाँ पे हम रिवर में किसी भी सेंटेंस को लगा दें, जैसे कि दे, दे और रिवर, तो रिवर में क्या करेंगे, या तो मछली पकड़ेंगे या नहाएंगे, ठीक है, नहाने के लिए हम बोलते हैं बाथ, एक वर्ब है, मछली पकड़ने के लिए बोलते हैं कैचिंग द फिश, ठीक है, हम ये सेंटेंस लगा सकते हैं, तो वो रिवर से मछली पकड़ते हैं, सो दे कैच फिशेस इन द रिवर, कितना आसान है ना, आसान, तो मैंने आपको बोला था इसकी तरह हम काफी सेंटेंसेस इनको बना सकते हैं और हम इसको बोल सकते हैं। अब हम ये बोल रहे हैं, मैंने बोला था कि आप आज से ही बोलना सीखेंगे, कैसे सीखेंगे मैं बताता हूँ, देखिए आप अपनी दिनचर्या की बात करें, जब आप सुबह उठते हैं और सुबह उठने से लेकर के शाम तक जो काम करते हैं, आप काम कर नहीं रहे लेकिन बता रहे, तो ये सब सेंटेंसेस जो होंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेंगे, जैसे कि